आर्मी अपनी आर्टिलरी यूनिट्स के कॉम्बैट प्रोवेस को चाइना के फ्रंटियर पर बढ़ाने के लिए काफ़ी नए वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं, जिसमें 100K9 वाजरा हाउटिजर्स का एक और बैच, स्वार्म ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस और सर्विलेंस सिस्टम शामिल है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंग्या जर्निया। आपको बता दें कि आर्टिलरी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट आदोश कुमार ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आर्टिलरी यूनिट्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कई फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं। हम आज अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं और ये सब कुछ डिफाइंड टाइमलाइंस के हिसाब से हो रहा है, उन्होंने आर्टिलरी रेजिमेंट के 198 एनिवर्सरी से पहले रिपोर्टर्स को बताया। DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने बताया कि 155 mm गन सिस्टम्स जैसे कि K9 वाजरा, धनुष और सारंग नॉर्थन बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि आर्मी के फायर पावर को बूस्ट किया जा सके। आर्मी ने पहले ही 100K9 वाजरा गन सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं और अब एक और बैच के 100K9s को प्रोक्योर करने की प्रोसेस में है। रिपीट ऑर्डर के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है और आगे की प्रोसेस चल रही है, उन्होंने बताया। आपको बता दें कि पहले K9 वाजरा डेजर्ट रीजन्स के लिए खरीदे गए थे, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख के स्टैंड ऑफ के बाद आर्मी ने इन हाउटिजर्स को हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय किया। हम एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स यानी ATAGS, माउंटेड गन सिस्टम्स यानी MGS और टोड गन सिस्टम्स यानी TGS जैसे 155 mm गन सिस्टम्स को भी इंडेक्ट करने की प्रोसेस में है, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि ATAGS 100% DRDO द्वारा प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने बताया कि आर्टिलरी के सर्विलियंस और टारगेट एक्विजिशन रेजिमेंट्स को भी अपग्रेड करने पर फोकस किया जा रहा है और ज्यादा स्वार्म ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी RPA इंडक्ट किए जा रहे हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम डिजायर्ड पेस पर प्रोग्रेस कर रहा है। DRDO रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है क्रूज मिसाइल्स की रेंज, एक्यूरेसी और लिथलिटी को एनहांस किया जा सके। एम्युनिशन के मामले में भी एक्यूरेसी और लिथलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा। आर्मी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और एकेडमिया के साथ सेंसर फ्यूज एम्युनिशन और एक्सटेंडेड रेंज एम्युनिशन को डेवलप करने के लिए एंगेज्ड है। हमारा प्रिसिशन कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए लोइटर म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन्स, रनवे इंडिपेंडेंट RPAs प्रोक्योर किए जा रहे हैं। बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए हम इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और आर्किटेक्चर को भी मजबूत कर रहे हैं, जिसे किल चेन्स कहा जाता है, उन्होंने कहा। दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।